दिल्ली में जब मेट्रो आई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिन लोगों ने अपनी अपने स्कूटर, अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़ के और मेट्रो से सफ़र करना चालू किया। धीरे धीरे मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी कि कुछ लोग फिर वापस अपनी गाड़ी और अपने स्कूटर पे आ गए। अब जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, अब दिल्ली में बसों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बसों में कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती जो हम लोगों ने अभी सर्वे कराया, लेकिन फिर भी एक लोगों के दिमाग में वो है कि बसों में आप देखेंगे अक्सर केवल लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग, इकोनॉमिक क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 बसेस, कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। ये लग्जरी बसेस सभी एयर कंडीशनड होंगी, कम से कम 9 सीट से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 9 सीट कम से कम, छोटी बस में 9 सीट होंगी, बाकी में बड़ी में और ज़्यादा होंगी। इन बसों में वाईफाई होगा, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा, स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगी, हर एक को सीट मिलेगी और सीट भी डिजिटली मिलेगी। आप अपनी सीट ऐप होगा हर एक उसका, और आप उनके ऐप पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जो सीट चाहें, जैसे हम एयरलाइंस में बुकिंग करते हैं वो सीट बुक कर सकते हैं। पेमेंट्स केवल डिजिटल होंगे और वहाँ पे बस के अंदर आपको टिकट नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं कि बस रुक रुक के जाएगी, और आपको केवल डिजिटल पेमेंट्स होंगी और जहाँ से आप कहेंगे वहीं से आपको बस पिकअप करेगी। इससे हमें उम्मीद है, बिकॉज काफ़ी अच्छी अंदर आरामदेह बस होगी, कंफर्ट होगा, डिफाइंड टाइम होगा चलने का, पहुंचने का, तो हमें उम्मीद है कि बहुत लोग इन अपनी गाड़ियाँ छोड़ के इन बसेस में आएंगे और इससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगा और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम होगा। एक इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इस बसेस का रूट हम डिसाइड नहीं करेंगे, इन बसेस का रूट मार्केट डिसाइड करेगी। जहां उनको लगता है कि ज़्यादा उनको सवारी मिल सकती हैं वो बसेस उन एरियाज़ में ज़्यादा चलेंगी, तो जाहिर तौर पे उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक कम होगा। उसे जो भी रूट वो डिसाइड करेगा बस ऑपरेटर, उसे हमें सिंपल डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है कि मैंने आज से एक नया रूट चालू कर लिया। और अब दिल्ली पूरे देश का पहला शहर होगा जहां पे इस किस्म की बस एग्रीगेटेड, प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम आ रही है, और मेरा अपना मानना है इससे दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक भी कम होगा, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, वर्ल्ड लेवल का ट्रांसपोर्ट मिलेगा और पोल्यूशन भी कम होगा।